हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। निशा की रसोई में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ निशा शर्मा, कोटा राजस्थान से। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सर्दियों का मौसम आ चुका है और हमें गरम गरम चीजें बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आई हूँ टमेटो सूप की रेसिपी। जैसा कि रेस्टोरेंट में जो टमेटो सूप मिलता है, वैसा हमें बनाने की इच्छा होती है लेकिन हम बना नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि रेस्टोरेंट में किस तरीके से टमेटो सूप को बनाया जाता है, उससे वो कितना स्वादिष्ट बनता है, आप भी वैसा ही बना पाएंगे। तो आप मेरी रेसिपी देखिए, चलिए शुरू करते हैं। टमाटर सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पके हुए 4 टमाटर ले लिए थे और इनको लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया था। लंबे लंबे स्लाइस में काटने के बाद अब हम इनको कुकर के अंदर डाल देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 3 गार्लिक की ये पीसेस ले लिए हैं, 3 कलियों को इसके अंदर डाल दिया है। उसी के साथ हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि टमाटर के अंदर भी पानी होता है, ये अपना पानी छोड़ते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी के साथ इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और अब हम गैस ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 विसिल लगाएंगे। इसके अंदर 5 से 6 विसिल लगाने तक हम इसको कुक होने देंगे। जब तक हमारे टमाटर कुक हो रहे हैं तब तक हम क्रूटोन्स बनाएंगे। क्रूटोन्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल वाइट ब्रेड का यूज़ किया है। उनको इस तरीके से काट लिया है चोकोर चोकोर शेप में और अब हम क्रूटोन्स बनाना शुरू करते हैं। क्रूटोन्स को हम सेकेंगे तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो जो ब्रेडें हैं वो इसका सारा तेल ऑब्जर्व कर लेंगी, इसलिए हम तेल का यूज़ कम से कम करेंगे। और अब इसके अंदर हम ये ब्रेड के पीसेस इस तरीके से डालेंगे और हमें इनको रोस्ट करना है, अच्छे से सेकना है इस तरीके से। और आज हम जो ये सूप बना रहे हैं वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बना रहे हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से मैंने सारे पीसेस को इस तरीके से जमा लिया है और गैस को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे। अगर हमने गैस को हाई फ्लेम पर किया तो हमारे जो ब्रेड के पीसेस हैं वो जले जले से हो जाएंगे, तो हमें लो फ्लेम पर इनको रोस्ट करना है। उलट पुलट करेंगे हम। अब हम इनको पलटेंगे इस तरीके से, हाथ की सहायता से आसानी से पलटाऊँ आ जाएंगे ये। और इस तरीके से हमें पलटते हुए रहना है, तरीके से हमको पलटते हुए सेकना है। ये देखिए धीरे धीरे ये क्रिस्प होते जाएंगे और सूप के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हमारे सारे क्रूटॉन्स बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इनका। और अब हम क्या करेंगे, गैस को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से क्रिस्पी हैं, आपको इनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बने हैं। जो हमने टमाटर बॉईल किए थे वो बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, अब हम इनको छानेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक बाउल ले लिया है और इस तरीके की छलनी लगा ली है उसके ऊपर। अब हम सबसे कठिन काम करने जा रहे हैं, इस तरीके से हमको इसको छानना है और बहुत अच्छे से इसका पल्प निकालना है। इस तरीके से स्पून की सहायता से हम इसे छान लेंगे। हमने इसको बॉईल इसलिए किया है क्योंकि जब हम सोचते हैं कि जो सूप बनाया जाता है उसको मिक्सी में पीस कर भी बनाया जाता है, लेकिन जब हम मिक्सी में इसको टमाटरों को पीसते हैं तो इसके साथ इसके बीज भी पीस जाते हैं और टमाटर का टेस्ट बिल्कुल कड़वा कड़वा हो जाता है और सूप थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगता है, इसलिए हमने इसको बॉईल किया है। और आप देखिए चलनी में इसके बीज भी आ गए हैं और इसके छिलके भी आ गए हैं और जो इसका पल्प है वो निकल गया है। इसी प्रोसेस के साथ हमको सारा सूप इस तरीके से छान लेना है। पहले
इस तरीके से हमने सारा पल्प निकाल लिया है और ये जो छिलके और बीज इसी के अंदर चलनी के अंदर रह गए हैं बहुत अच्छे से निकाला गया है। ये देखिए इस तरीके से आपको भी निकालना है। अब हम सूप को पकाएंगे, तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। उसके अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। बटर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना डालना चाहें। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। बटर का हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसमें थोड़ा सा सॉल्टी भी होता है बटर, तो बहुत ही अच्छा सूप लगता है। अब ये मेल्ट होने के बाद हमने जो ये पल्प निकाला था इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी शुगर डालेंगे इसके अंदर, जिससे क्या होगा कि सूप खट्टा खट्टा नहीं लगेगा और उसका टेस्ट जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ी सी शुगर ऐड करिए इसके अंदर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसके अंदर। आप इसको एक उबाल आने तक हम इसको अच्छे से पहले बॉइल करेंगे। सूप अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसके अंदर इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए, इसके खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर टमाटो केचप का यूज कर रहे हैं। टमाटो केचप का एक और यूज होता है, इससे अच्छा बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है सूप। हमको पता नहीं होता है लेकिन रेस्टोरेंट में इसी तरीके से बनाया जाता है। और ये देखिए टमाटो केचप डालने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप देख पा रहे होंगे जो ये साइड में जो ये झाग झाग रहते हैं इनको हमें निकालना होता है सूप के अंदर, इनको नहीं रखते हैं तो इसलिए हमको अच्छे से इसको बॉईल करना है। और इसी के साथ सूप के अंदर लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं किया जाता है, या तो व्हाइट मिर्च का यूज किया जाता है या ब्लैक पेपर का यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं काली मिर्च पाउडर का यूज कर रही हूँ और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इस समय आप ये भी टेस्ट कर ले कि इसके अंदर नमक कैसा है और आपको शुगर कैसी चाहिए इसके अंदर। तो पहले इसको अच्छे से बॉईल हो लेने देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। सूप की ग्रेवी को थिक करने के लिए यहां पर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर यानी मक्का का आटा ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे और इसका एक पेस्ट बनाएंगे। इस तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है। सूप अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे, एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डालेंगे। और इस तरीके से हमने इसके अंदर ये डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला देना है और ये धीरे धीरे हल्का हल्का थिक होने लगेगा। इसको लगातार चलाते हुए रहना है और आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी झाग नहीं बचे हैं। सूप अच्छे से बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और अच्छे से बॉईल हो गया है। हमें बहुत ज्यादा इसे थिक नहीं करना है और गर्मा गर्म सूप बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सूप को हमने बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसके अंदर क्रूटॉन्स डालेंगे। जब ये रेस्टोरेंट में क्रूटॉन्स मिलते हैं तो हम इनको बहुत चाव से खाते हैं। और अब हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। ये ऑप्शनल है, क्रीम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का सूप बनकर बिल्कुल रेडी है।